भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने बना ली है 259 रन, यानी कि इंग्लैंड को अब इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए सिर्फ चाहिए 119 रन और इंग्लैंड के पास अभी भी 7 विकेट मौजूद हैं। इंग्लैंड ने अभी तक सिर्फ 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि इंग्लैंड में अभी भी जीतेगा हिंदुस्तान, तैयार है 3-1 का प्लान, कप्तान टीम इंडिया को बनाएगा सुल्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा कि जब इंग्लैंड को सिर्फ जीतने के लिए इस टेस्ट मैच में 119 रन चाहिए, उनके 7 विकेट उनके पास हैं। अगर हम टीम इंडिया के गेंदबाजों पर नज़र डालें तो भारत की ओर से दूसरी पारी में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जो टीम इंडिया के कप्तान हैं। जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर गेंदबाजी की है जिसमें उन्होंने अपने नाम सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए हैं। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज को या स्पिनर को सफलता नहीं मिली है। तो अब जसप्रीत बुमराह ही टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े नायक बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जसप्रीत बुमराह ये कारनामे कर चुके हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर भी जसप्रीत बुमराह ने क्रूशल मैचेस में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। अभी भी यहाँ से इंग्लैंड को जीतने के लिए 119 रन चाहिए। अगर जसप्रीत बुमराह कल पहले सेशन में भारत को तेजी में 2-3 विकेट दिला देते हैं तो इंग्लैंड बैकफुट पर आ जाएगा और वहाँ से इंग्लैंड भी पैनिक करेगा और तब जसप्रीत बुमराह के साथ साथ टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाजों के पास एक मौका होगा इंग्लैंड को ऑल आउट करने का और इस टेस्ट मैच को जीतने का। तो 119 रन इंग्लैंड को बनाने हैं, रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से तो टेस्ट क्रिकेट में आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है, बस आपको शुरुआत में विकेट लेने होंगे। पहले 10 ओवर जो आज के दिन के हैं वो बहुत अहम और क्रूशल रहने वाले हैं। अगर पहले 10 ओवर में टीम इंडिया को 2-3 विकेट मिल जाते हैं तो टीम इंडिया स्ट्राइक में वापसी